ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शांति शांति शांति। कल हम लोगों ने कठोपनिषद के पहले अध्याय की पहली वल्ली समाप्त कर ली थी, आज द्वितीय वल्ली शुरू करना है। और पहली वल्ली में हमने क्या देखा, डिजायर्स के कारण आदमी का क्या हो जाता है इनसिंसियरिटी, वो नचिकेता के बाप के थ्रू देखी। नचिकेता की श्रद्धा देखी, श्रद्धा से होने वाली उसकी विचार परंपरा, कर्म कर्म फल इत्यादि देखी, और सैक्रिफाइसिंग स्पिरिट देखा कि अपने कोई किसी को दान कर दें पिताजी, और फिर झूठ बात को झूठ नहीं होने देना, इस पर इंसिस्टेंस देखा। यमराज के पास चला गया, उन्होंने कहा कि तीन वर मांग ले। इतना होने पर भी पिता उससे गुस्सा हो गया था, वो गुस्सा नहीं हुआ था। इसलिए पिता के मन की शांति ये कर्तव्य रूप उसने पहला वर मांगा। दूसरा वर उसने सर्वोच्च लोक में जाने की विद्या मांगी, इसको शास्त्रों में हमारे अभ्युदय कहा गया है। अभ्युदय का अगर मैं थोड़े में स्पिरिट बताऊं तो भगवान के या धर्म के आधार पर जागतिक उन्नति, ये इसका अर्थ होता है। जागतिक उन्नति बहुत लोग चाहते हैं, अधर्म से अनैतिकता से, वैसी नहीं जागतिक उन्नति, परंतु भगवान के आश्रय से या धार्मिक पथ से चलते हुए, यह अभ्युदय। और अभ्युदय का सर्वोच्च रूप है ब्रह्मलोक, इससे ज्यादा जागतिक उन्नति हो नहीं सकती, इतना ज्यादा आनंद या सुख कहीं मिल नहीं सकता, जो कि रिलेटिवली देखा जाए तो बहुत प्योर भी है। इसलिए वह नचिकेता ने मांगा। और यमराज ने बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी हिचकिचाहट के दे दिया। और उन्होंने जब उसका वर्णन किया तो नचिकेता ने इतने ध्यान से सुना और रिपीट कर दिया उनको, तो खुश होकर के उन्होंने एडिशनल वर दिया। एक तो उन्होंने कहा कि यज्ञ तेरे नाम से होगा, और दूसरा ये माला ले ले, जो शब्द भी करती है रूप भी अच्छा है ऐसी ऐसे। और उन्होंने तीसरा वर मांगने को कहा, इससे हम ये समझ गए कि दूसरा वर कितना ही उच्च भी हो उससे कृतार्थता आदमी की नहीं हो सकती, इसलिए तीसरे वर की गुंजाइश है। पर हम ये भी देखते हैं कि तीन वर थे, इसीलिए नचिकेता ने उसको लास्ट में रखा था। एक ही वर होता तो क्या मांगता पता नहीं हमें। परंतु कठोपनिषद को हमको जीवन की ग्रेडेशन ही सिखानी थी, कर्तव्य अभ्युदय निःश्रेयस। देखो अभ्युदय को मैं दूसरे रूप में प्रेजेंट करता हूं, जो आदमी दुनिया में जिस परिस्थिति में उसी परिस्थिति में रहे तो आदमी ही नहीं है वो। उन्नति के लिए हाथ पर पटकना ये मनुष्य का लक्षण है, इसलिए अभ्युदय का स्थान है। जो कोई एफर्ट ही नहीं करता, जैसा वो पढ़ा है आमियाची हवा गोबा, वो कोई मनुष्य कहलाने लायक नहीं है, इसलिए अभ्युदय का स्थान है। और ये छटफट जब करता है, कोशिश करता है इंप्रूवमेंट की, उसके कारण उसको समझ में आता है नहीं, पर उसका कि जो इवोल्यूशन चल रहा है उसमें पता चल जाता है कि पूर्णत्व पाए बिना मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए अभ्युदय का एक डेफिनेट स्थान है। और हमने उस डिस्कशन में देखा भी कि आचार्य ने तो उपनिषद के अर्थ में भी उसको इंक्लूड कर लिया था कि ब्रह्मलोक के जो आनंद है वो सूक्ष्म है, शुद्ध है, इत्यादि इत्यादि हमने देख ली थी, उदाहरणों से देखा था। दो उदाहरण हम लोगों ने लिए थे, एक पहला किसका लिया था, नहीं पुराने पुराना किसका उदाहरण लिया था पहला, अभ्युदय के लिए एक पुराना उदाहरण लिया था हमने। मुझे यार अभ्युदय प्रार्थी नहीं था, बिल्कुल नहीं था, बिल्कुल ही नहीं था। मुझे यार मोक्ष का ही प्रार्थी रहा शुरू से मोक्ष का प्रार्थी रहा और मोक्ष ही मिला उसको। अभ्युदय में मुझे को उदाहरण नहीं दिया था,
हमने प्रेजेंट में और एक दूसरे भक्त को उदाहरण दिया था, बताओ किसका दिया था? और हाँ ये बोलो, एकनाथ का उदाहरण हमने अभ्युदय के लिए दिया था बेस्ट पुराने में, और नए में अन्ना का दिया था, ठीक है? दोनों उदाहरण से हमने बताया था कि अभ्युदय वाला लाइफ जो है हमारे लाइफ से बहुत बढ़िया होता है, परंतु कृतार्थ नहीं कर सकता वो, इसलिए अब तीसरे बार नचिकेता ने मांगा कि जो डाउट उठता है मरने के समय कि कोई है कि नहीं है, वो विद्या मुझे आपसे चाहिए। अब ये विद्या जिस चीज को नहीं दी जा सकती, जिस चीज को देने से फायदा नहीं नुकसान भी हो सकता है, इसलिए यमराज उसको परीक्षा लेने में शुरू हो गए। क्योंकि इमोशनल वैराग्य नाम की एक चीज डेफिनेटली होती है, मरकट वैराग्य अलग है, जैसे वाइफ मर गई तो वैराग्य हो गया वो अलग है, पर भाव में आकर के इमोशन एक चीज ऐसी है कि हमारे पर्सनैलिटी को ढक लेती है, हमको खुद को ही समझ नहीं देती। और इसलिए रामकृष्ण मिशन का उदाहरण देकर मैंने बताया कि जो त्रिपुरेशन नाम की हमारे जो चीज है एक साल की, वो केवल इसलिए नहीं है कि हेड जो है वो उसको जज करे, वो इसलिए कि वो खुद को जज करे, और हमारे यहाँ जितने ड्रॉप आउट्स बोलो या लीव बोलो वो 2 महीने के अंदर चले जाते हैं, फिर रह नहीं पाते। तो इसलिए इमोशनल वैराग्य नाम की एक चीज होती है, उसको काट करके सही वैराग्य है क्या, टिकने वाला वैराग्य है क्या, और एम के प्रति ठीक एम है क्या, ये परीक्षा करना अत्यंत आवश्यक होता है, और ये यमराज ने शुरू किया। पहले इन जनरल बोलना शुरू किया, फिर नाम गिनाए बहुत सारे, और आखिरी शस्त्र के रूप में उन्होंने उसके सामने खड़े कर दिए इमा रामा सरता सतुरिया। अब उससे नचिकेता का विवेक पूरा जागृत हो गया, या विवेक पूर्वक ही वैराग्य था उसका, इसलिए उसने कहा कि आप जो भी हमें देंगे क्या आप नियम बदल सकते हैं क्या, कि भोग करने पर हमारी इंद्रियां तेज खो देती हैं, इसको आप नहीं बदल सकते। तो इसलिए और फिर लंबा जिए कि छोटा जिए, मरना तो एक दिन पड़ता ही है, तो इसमें क्या है? इसलिए ये सब नाच गाने आप अपने ही पास रखिए, और इसके समान वर उन्होंने काम मांग ले तो इसके समान कोई वर हो ही नहीं सकता है। ऐसा नचिकेता का प्रखर विवेक हमको दिखा, ये वंदी थी। अब इसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करते कि अब तो ब्रह्म विद्या देंगे, पर दूसरे वल्ली में ब्रह्म विद्या नहीं है, डीपर साइकोलॉजी है। इसलिए हम कहते हैं कि पतंजलि बड़े मन के स्पेशलिस्ट हैं, पर वेदांत में मन की बातें कम नहीं है। मन को मन दृष्टि से स्टडी नहीं करता वेदांत, ब्रह्म प्राप्ति में जो मन की कैपेसिटी है, मन की आवश्यकता है, मन के गुण अवगुण है, उनकी चर्चा जरूर करता है। तो यहां पर एक डीपर साइकोलॉजी है, और वो है कि अब हम साधना कर रहे हैं, वैराग्य है, साधना कर रहे हैं, अब साधना करते करते हमारे सामने कोई प्रलोभन आया, ये प्रलोभन तो यमराज ने दिखा इस तरह का नहीं है। क्या प्रलोभन है हमारे जीवन में? मंडलेश्वर बनने का, भोगने का। देखो हमारे महाराज कहते थे कि सन्यासी को पैसे और स्त्रियां जितनी आसानी से उपलब्ध है गृहस्थ को नहीं है। गृहस्थ के पास कोई स्त्री जाके पास में प्रणाम करेगी? पैर छुएगी? इसलिए हमारी साधना के दौरान हमारे सामने नए प्रलोभन आएंगे। और पतंजलि कह रहे हैं कि वो सिद्धियां आती हैं, हर योग में सिद्धि है। जब हम निस्वार्थ कर्म करते हैं तो हमारी कैपेसिटी दुनिया के लोगों से कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। लोगों को एक घर बनाने में जीवन चला जाता है, पर हमारे साधु लोग हर रोज एक बिल्डिंग, हर साल एक बिल्डिंग बनाते। सिद्धि हर साधना मार्ग में है, और उसे प्रलोभित होना भी है। मन झुक जाता है जो पहले नहीं झुका हुआ है। इसमें तो हमने नरद भक्ति सूत्र में सुना था शास्त्र रक्षणिया,
तो इसलिए हमारे मन का जो वैराग्य है ये कहां तक स्टेडीली हमको ले जाएगा, इसके लिए मन के मूल में जाकर के दो प्रवृत्तियां यहां पर यमराज बताएंगे और कहीं भी वो आएगी। अब हमारे साधु लोगों में देखो, क्या हम फैसिलिटी सीख नहीं करते? जितनी सुविधा मिले उतनी सीख नहीं करते, झगड़ते हैं उसके लिए। साधारण से साधारण अच्छे माने जाने वाला साधु चाहते मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चाहिए, तो इसके लिए साधु बनाए क्या? तो इसलिए मन के भीतर में जाकर के डेप साइकोलॉजी में हमारे मन में यमराज को दो प्रवृत्तियां दिख रही बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट। और सवाल यह है कि मिक्स हो क्या आती है, हमको पता नहीं चलता है कौन सी प्रवृत्ति। अब जैसे कोई भी उदाहरण लो, मेरे सामने कई साधुओं की नजरें आ रही, ये नहीं लेंगे क्या, वो नहीं लेंगे क्या? अरे तुमको क्या चाहिए? क्या है भगवान चाहिए ना, ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए। हम साधु हो गए तो देखो, सन्यासी कितने प्रिविलेजेस सीख करता है सोसाइटी से। तो इसलिए ये प्रवृत्ति दो है हमारे मन में, इसको याद रखो। ये लेसन पहले सिखाएंगे सो दैट नचिकेता का जो वैराग्य है वो टिका रहना चाहिए आखिरी तक, ब्रह्म प्राप्ति तक हमने आगे जाना है। अब जैसे कई साधक देखो, कई साधक बाहर की दुनिया में, अब तुम कोई भी ले लो, आसाराम ले लो, गुरमीत सिंह ले लो, ये क्या शुरू से बदमाश नहीं है? कुछ साधना की, कुछ शक्ति हासिल की, भोग में चले गए, स्त्रियां ज्यादा मिलने लगी, सेक्स अट्रैक्शन हो गया, पैसा ज्यादा मिलने लगे, धनी हो गए, श्रीमंत हो गए। पुराने लोगों को अगर देखो, मालूम है मच्छिंद्रनाथ गोरखनाथ की कहानी मालूम है? नाथ संप्रदाय में आदि गुरु हैं शिव जी, उनको आदिनाथ बोलते हैं, और मनुष्य में पहले नाथ हुए मत्स्येन्द्रनाथ। अब मत्स्येन्द्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ। अब गोरखनाथ गए बाहर तपस्या करने वाला कहीं भी, जब लौटते लौटते कि मत्स्येन्द्रनाथ तो पूरे संसार में डूबे हुए, इतना बढ़ गया उनका सारा। इसलिए वो सिनेमा आया था, उसमें एक गाना की एक लाइन याद आ रही है, चलो मच्छिंदर गोरख आया। गोरखनाथ आके उनको जगाते हैं कि महाराज ये क्या हो गया आपका? ऑफकोर्स पीछे उनके है बैकग्राउंड, तो वो जग गए, फिर छोड़ दिया उन्होंने वो सब। इसलिए आसक्ति बोलो, कितनी चीजें बोलो हमारे जीवन में चिपक जाती है बात, क्यों हमारी साधना रुक जाती है, क्यों सीधे नहीं जाते, क्यों गीता में योग वृष्टि की बात आती है कि जाते जाते हमारी साधना ही हमको नए भोग दिलवाएगी, नाम यश। अब कितने साधु हमारे सोचते अमेरिका जाऊंगा। इसलिए साधु जीवन की, साधक जीवन की बोलो जनरल, अंदर जाकर के बहुत दिक्कतें हैं। अब इसमें दो चीजें हम देखेंगे दूसरी वर्ली में, एक तो नचिकेता का वैराग्य, उसको अप्रिशिएट भी करना है, एंकरेज करना है, और दूसरा वो परमानेंट बनाना है उस वैराग्य को। इस हेतु से अभी इतनी परीक्षा करने के बाद भी ब्रह्म विद्या का प्रसंग न आकर के उसको यमराज डेप्थ साइकोलॉजी सिखा रहे हैं। ये द्वितीय वर्ली है। अन्य श्रेयो अन्य दूतैव प्रेयः, अन्य श्रेयो अन्य दूतैव प्रेयः, उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः, उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः, तयो श्रेय अददानस्य साधुर्भवति, तयो श्रेय अददानस्य साधुर्भवति, हियते अर्थात् यौ प्रेयो वृणीते, हियते यमराज ने इसके नाम दिए श्रेय और प्रेय। कैसे समझेंगे? श्रेय माने अल्टीमेटली बेनिफिशियल, श्रेय माने मोक्ष, पर यहां श्रेय शब्द का अर्थ हो रहा है अल्टीमेटली बेनिफिशियल, और प्रेय माने हमको जो अच्छा लगता है वो। अब कितने साधु लोग इसको नहीं सोच पाते,
अच्छा लगता है उसी को सही समझ। हमारे सही गलत के क्राइटेरिया तो ये, हमको जो अच्छा लगता है वो अच्छा। इसलिए साधु लोग जब आपस में पूछते हैं या मुझसे कोई भी पूछता है कि आप वहां पर हैप्पी है क्या, मुझे पुरुष नहीं अच्छा नहीं लगता। हैप्पीनेस मत पूछो, तुम अपने गोल की ओर जा रहे हो क्या वहां पर, ये पूछो। तुम्हारी स्पिरिचुअल उन्नति हो रही है क्या, पूछो। हैप्पीनेस क्या पूछ रहे हो, सब अच्छा है, महंत अच्छा है, अच्छा हैप्पी है, हमें हैप्पी है तो रुक गए फिर तुम साधना से। इसलिए वी आर नॉट सीकिंग हैप्पीनेस, वी आर सीकिंग अल्टीमेट हैप्पीनेस, ब्लिस। साधना में प्रगति हो रही है क्या, वहां का एटमोसफेयर जहां तुम गए हो कंडीसिव है क्या तुम्हारे प्रोग्रेस के लिए, और कंडीसिव दोनों प्रकार का। तो मुझे अपनी पर्सनल बात याद है, जब नागपुर से मेरी ट्रांसफर हुई बेलूर मठ में बुलाया, मेरी कोशिश थी मैं नागपुर वापिस जाऊं, मुझे कहीं नहीं जाना। तब हीरू महाराज नाम के मधुरानंद स्वामी मिले मुझे, मुंबई में थे उन दिनों में शायद, तो उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हारा नागपुर आइडियल हमने मान लिया, अच्छा देखा है तुमने, बुरा भी देखो तब तुम्हारी उन्नति होगी, मना मत करो, जहां जाने को बोलेंगे जाओ। अच्छा देखा है तुमने, बुरा भी देखो तब तुम्हारी स्पिरिचुअल उन्नति होगी। मुझे अभी तक याद है वो 78 की बात है। तो इसलिए हमें सीख करना है कि हमें आगे बढ़ना है, इसके लिए कहां कंड्यूसिव है हमारे, वहां मैं हैप्पी हूं यहां हैप्पी हूं, ये तो बात गंदी लगती है बिल्कुल, बेकार की बात मत करो। यहां मैं हैप्पी हूं बोल सकते हो, मैंने कल अरुण को सुना है बहुत बुरी तरह, और उन्नति हो रही है। मद्रास में मेरे ये हाल थे 10 साल, फेयरवेल फंक्शन में मैंने बोला कोई आदमी बुरा नहीं है, आदमी बुरा नहीं होता कभी, कोई आदमी बुरा नहीं है, पर एक अंग्रेजी में कहावत है कि एक आपके पास राउंड होल है, गोल है, और एक स्क्वायर ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक राउंड होल में नहीं जा सकता, ऐसी मेरी अवस्था है यहां पर 10 साल तक। और मेरी प्रोग्रेस मैग्जिम हो रही थी वहां पर। ऋषिकेश में मैं गया, क्या सुविधा थी सर, ऋषिकेश में नहीं जाते तो मेरे जीवन में कुछ नहीं होता, गुरु से सुना हुआ सारा वहीं तो फलीभूत हो रहा था। इसलिए श्रेय अलग है, प्रेय अलग है। हमको ये अच्छा लगता है ये मत सीख करो, इसमें तुम्हारा अंतिम कल्याण है क्या, बोले अलग चीजें, बिल्कुल ही अलग चीजें हमारे सामने मिक्स होकर आती। अन्य श्रेयो अन्य उत एव प्रेया, ते उभे वो दोनों नानार्थे, नानार्थे माने एम्स अलग अलग है उनके, अर्थ माने मनुष्य जिसको चाहता है कमाता है, पुरुषार्थ हम बोलते हैं उसे को अर्थ कहा है। ये भिन्न अर्थ में लोगों को बांधते हैं, कैसे बांधते हैं माने ले जाते हैं इसको, श्रेय प्रवृत्ति अगर हमने सिलेक्ट किया हमको बांधते हो, हमको मोक्ष तक ले जाके छोड़ेगी, और प्रेय प्रवृत्ति ली तो बंधन में लगती रहेगी और भी, पर हमें करते हुए बुद्धि आ जाती है उसके सामने। अब ये घर पे रहना है, मां बाप प्रवृत्ति मेरा कर्तव्य है, अरे ये प्रेय है, नहीं समझ पा रहे तुम। इसलिए अलग अलग हैं, पुरुषम माने जो कैपेसिटी है, पुरुष माने श्री पुरुष नहीं होता पर जो प्रयत्न करने वाला, सिनी तहा माने बांधते हैं, प्रयो उनमें से श्रेय आददान से, जो श्रेय को प्रेय से अलग निकाल करके एक्सेप्ट करता है साधु भवति, उसका कल्याण होता है। साधु का अर्थ संस्कृत में अच्छा यही होता है, उसका अच्छा होता है। हियते अर्थात रियल पुरुषार्थ जो हमारा उससे चूक जाता है, ये वो प्रेय उरुणीते, जो प्रेय का वर्ण करता है वो अपने परम पुरुषार्थ से चूक जाता है। आचार्य कह रहे हैं पर परीक्षा शिष्यम विद्या योग्यता च अवगम्य आह, यमराज ने परीक्षा की और विद्या के योग्य ही जान भी लिया, उसके बाद ये कह रहे उसकी वैराग्य को या उसकी
योग्यता को परमानेंट बनाने के लिए गोल तक स्वामी जी ने जो कहा अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, इसका ये इंपॉर्टेंस, बीच में रुकना। गीता में योगभ्रष्ट कितनी बात क्यों है, कहां आदमी गुल हो जाता है बीच में। मिशन में हम हजार एग्जाम्पल देख रहे हैं इसके, हमेशा तुम्हारे सुख का ग्रह चीज नहीं मिलेगी। हमें सुख चाहिए, हमें तो अंतिम लक्ष्य की ओर जाना चाहिए। अन्य पृथक एव, अन्य माने पृथक एव अलग, श्रेयो निःश्रेय सम मोक्ष अंतिम कल्याण, तथा अन्य उत अपि, उपत माने अपि एव प्रया प्रियतरम अपि। प्रियतरम कह दिया प्रेय को, प्रियतरम क्यों कह दिया प्रेय को, कंपेरेटिवली ज्यादा अच्छा लगने वाला। ते प्रेय श्रेयसी उभे नानार्थे भिन्न प्रयोजने सति, नाना अर्थे में उनका प्रयोजन अलग अलग है। पुरुषम को आचार्य करे अधिकृतम वर्णाश्रमादि विशिष्टम, माने जो कैपेसिटी से करने को उसी की बात चल रही है। लंगड़े लूले तमोगुणी की बात चली नहीं रही है, वो कुछ नहीं कर पाएगा। जो कैपेसिटी है उसको बोला है वर्णाश्रम। वर्णाश्रम माने ऑर्थोडॉक्सी, मतलब यहां पर जो कुछ कर सकता है उसकी बात है वर्णाश्रम। तो वर्णाश्रमादि विशिष्टम ऐसा पुरुष, सिनी तो बांधते हैं बदनी ता बोल दिया, ताभ्याम आत्मकर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्व पुरुष। आदमी इसको कर्तव्य रूप में एक्सेप्ट करता है, प्रेय को या श्रेय को ये बांधना करते है, ये मेरी ड्यूटी। पैसे कमाना ड्यूटी नहीं है क्या, फैमिली को पोसना ड्यूटी नहीं है क्या। अरे फैमिली खड़ी तो तुमने की है, पहले थी क्या तुम्हारे पास। एक वर्ड शायद मिस हो गया, ताभ्याम ताभ्याम विद्या विद्याभ्याम आत्म कर्तव्य तय प्रयुज्यते सर्व पुरुष। विद्या विद्याभ्याम, विद्या विद्या तो अभी बहुत दूर है, विद्या विद्या कहां से आ गई तुम्हारी, श्रेय प्रेय की बात चल रही है। पांडवेद यहां पर नहीं है वो, यहां भ्याम आत्म कर्तव्यतया प्रयुज्यते सर्व पुरुष। अब ये बाद में आने वाला है, उसको यहां लगा दिया है कि ये विद्या विद्या रूप है, श्रेय प्रेय जो है विद्या विद्या रूप है, ये चौथे मंत्र में आने वाला है, इसमें भी है। तो ठीक है, पांडवेद है मैंने कहा, गीता पर इसकी पुस्तक में नहीं है। ये विद्या विद्या की बात चौथे मंत्र में आने वाली है। श्रेय जो है वो ज्ञान के रास्ता चलना है, प्रेय माने अज्ञान के रास्ते चलना है, ये मतलब है विद्या विद्या का। विद्या विद्या का मतलब है कि एक ज्ञान का रास्ता एक अज्ञान का रास्ता, और ये कर्तव्य रूप में हमको पकड़ते हैं, वो कॉमन है। अज्ञान कोई तो कर्तव्य लेकर के 99% दुनिया जी रही है, इसलिए कर्तव्य रूप में पकड़ते हैं हम, है ज्ञान का रास्ता है अज्ञान का रास्ता। श्रेया प्रेयसो हो ही अभ्युदय अमृतत्वार्थी, आचार्य ने यहां पर यह बोल दिया कि प्रेय माने अभ्युदय की ओर जा रहा है वो। अच्छा आदमी पकड़ करके ये बातें निकल रही, बुरे आदमी की बातें नहीं निकल रही, बुरे आदमी शास्त्र के पास आता कहां। इसलिए अभ्युदय प्रार्थी ये प्रेय का प्रार्थना है, और दूसरा है अमृतत्व का प्रार्थी। पुरुषा प्रवर्तते उसर झुकता है, अतः श्रेय प्रेय प्रयोजन कर्तव्यतया ताभ्याम बद्ध इति उच्यते सर्व पुरुष। प्रयोजन के लिए कर्तव्य, इसलिए उसको बांधा है ऐसा बोलते हैं। कर्तव्य सेंस आता है, प्रयोजन अलग हो जाता है, इसलिए उसको बांधा है। फिर यद्यपि एक एक पुरुषार्थ संबंधिनी विद्या विद्या, यहां है विद्या विद्याचार का शब्द। ते यद्यपि एक एक पुरुषार्थ संबंधिनी माने अलग अलग पुरुषार्थ की पूर्ति ले जाने वाली है, विद्या विद्या रूपत्वात
क्योंकि वो ज्ञान और अज्ञान का ही रूप है, इसलिए अलग अलग प्रयोजन है उनका। विरुद्ध एक दूसरे के विरुद्ध है, खाली अलग अलग नहीं है। इति अन्यतर अपरित्यागेन एकेन पुरुषेण स अनुष्ठातुम अशक्यत्वात्, एक को छोड़े बिना एक की सेवा नहीं हो सकती। एक ही पुरुष श्रेय और प्रेय को एक साथ नहीं प्रयोग कर सकता। श्रेय प्रेय को इकट्ठा करने जाकर के वो प्रेय में जा रहा है, और श्रेय प्रेय को सेपरेट करके श्रेय को सिलेक्ट करता है, वो श्रेय में जा रहा है। इसलिए विद्या विद्या रूप होने के कारण एक को छोड़े बिना दूसरे का प्रयोग हम एक ही साथ कोई पुरुष नहीं कर सकता। तयोर हित्वा अविद्या रूपम प्रेया, इसलिए अविद्या रूप जो प्रेय उसको छोड़ करके श्रेय एव केवलम आददानस्य, आददान माने लेना। आचार्य करे आददान से उपादान कुर्वत, मेकिंग दी सब्सटेंस ऑफ अवर लाइफ उपादान, केवल श्रेय का। साधु शोभनम शिवम भवति, उसका भला होगा, कल्याण होगा। यस्तु अदूरदर्शी विमूढ़ो हीयते, जो दूर तक नहीं दे। इस कारण क्या दिया है सबका, हमारी शॉर्ट साइटेडनेस। जैसे एनिमल को बहुत कम दिखते, उसके बाद क्या है नहीं दिखता, ऐसे हम दो चार साल का देख लेते हैं, बाद में क्या होगा नहीं दिखता। अदूरदर्शी विमूढ़ो, इसलिए मूड है वो। हीयते व्युज्यते अस्माद अर्थात पुरुषार्थात पारमार्थिका, रियल पुरुषार्थ जो है उससे चूक जाता है वो। प्रयोजनात् वही प्रयोजन है लाइफ का, अनित प्रयोजनात् नित्यात्, नित्य प्राप्ति मोक्ष की है वो, उससे चूक जाता है। प्रच्छवते इति अर्थ कोसौ ये उप्रयोग वृणीते उपादत्ते इति, जो प्रयोग को वर्ण करके ले लेता है इसको। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। और डेप्थ में गुजरे, बोले श्रेय प्रेय दोनों मनुष्य के सामने आ जाते हैं। मनुष्य मेता तो संपरित्य, संपरित्य माने अच्छी तरह विचार करके, विवेनक्ति धीरा, धीर पुरुष उनको सेपरेट कर लेता है, और जो धीर है वो अभिप्रेयसो यानी प्रेय के कंपैरिजन में श्रेय को ही वर्ण करता है। स्वामी जी को उदाहरण लो, स्वामी जी करे कि यंगेज में दो पिक्चर एक के बाद एक आते थे। मैं राजा हो गया हूं, दुनिया में बड़ा आदमी जिसे कहते हैं सबसे बड़ा हो गया हूं, और उसके पीछे ये भी आता था कि उसे समर्थ हूं करने में, और फिर वो पिक्चर चला जाता था। कॉपिन पहन के मैं जंगल में नदी किनारे बैठा हूं, भगवान को सोच रहा हूं, और मन में आता था कि कोशिश करूंगा तो ये भी करूंगा, और ऐसे दोनों पिक्चर आते आते एक खत्म हो जाता था और वो एक पिक्चर स्टैंड करता। ये श्रेय प्रेय, तो प्रेय को कंपैरिजन में श्रेय को अलग करके एक्सेप्ट करता है। अब प्रेय क्यों लेता है दूसरा आदमी, उसमें और डेप्थ में जा रहे मंदो, एक तो मंद बुद्धि है उसी भी बात, अपना अंतिम कल्याण नहीं पहुंच पहचान पाना, यही तो मंद बुद्धि है। और योगक्षेमा, ये प्रेय वाले को हमेशा फिक्र होती है, मुझे खाना कौन देगा, मुझे कपड़े कौन देगा, मेरे खाने पीने कपड़े की रक्षा कौन करेगा, इस कंसिडरेशन से वो प्रेय को एक्सेप्ट कर रहा है। मुझे घर कैसे मिलेगा, रहूंगा कहां, पहला ही सवाल आता है। तो ये योग क्षेम के बहाने बोलो या इसको पकड़ करके वो प्रेय को एक्सेप्ट कर रहा है। शरीर को एक्चुअल उसको किसी की फिक्र ही नहीं है,
खाना देखो मनुष्य अपने प्रयत्न से क्या कमाता है क्या बताओ। खाना उसके प्रारब्ध से मिलता है, खाने के लिए किसी को कोई प्रयत्न करने की जरूरत नहीं है, प्रारब्ध से ही मिलता है खाना। मद्रास जैसे शहर में मैंने माधुकरी करके देखी है, मुंबई में तो की ही है। लोग हमको कुछ चिढ़ाने लगे थे, स्टूडेंट्स होम में थे ना, वहां का पैसा क्या है, अनाथ बच्चों के लिए दिया हुआ पैसा, उनके पैसे से तुम लोग खाते हो। वीरेश्वरन जी ने हमारे खाने में खाया था मालूम है, मुश्किल से नाश्ते की कुछ चीजें लाई थी और उसे खा के चले। अब मेरे मन में आया कि देखो मैं डिपेंडेंट हो गया यहां के खाने के लिए, इसलिए चल पड़ा। परीक्षा करके दोगे अपने को हमेशा। एनीवे, तो एक योगक्षेम की भावना है ऑर्गेनाइजेशन में। अरे बाहर जाओगे तो कहां रहोगे, ये कोई सवाल नहीं है। हमारे साधुओं में तो ऐसे कैपेसिटी होनी चाहिए कि जंगल में खड़ा हो गया तो आश्रम बन जाएगा, नहीं तो सन्यासी क्या है वो। एक कहानी बताता हूं तुम। ऋषिकेश में एक मस्तराम बाबा थे, मैंने देखे नहीं उनको, उनके सामने सुना है उनके बारे में बहुत सारा। ये घर से निकले और इनके मन में ये आया कि जब तक लोग मुझे खिला नहीं देते मैं नहीं खाऊंगा। पड़े हैं जंगल में, दो तीन महीने बड़े कष्ट में बीते, कभी कोई खिलाता है कभी कोई नहीं, उनके मुंह में खिलाते थे लोग उनको, तब खाना खाते थे। अब उनके आश्रम में कितने लोगों का भंडारा रोज चलता रहता है। एक जर्मनी से लड़का आया था, अपने नरेंद्रपुर में स्टूडेंट था वो, और वरेश्वरानंद जी की परमिशन लेके कुटिया में आया था तीन दिन के लिए, मस्तराम बाबा जी से मिलने जाना है। अब मुझे मालूम नहीं, मैंने उसी लड़के के मुंह से ही सारा सुना था और भी यहां के लोगों से सुना, मैं कभी देखने भी नहीं गया। उस लड़के को मेरी फिक्र पड़ गई ना, मैं तब कुटिया के बाहर नहीं जाता था कहीं। अब रात को शाम को आया, रात को उसको ये पता चल गया बातचीत में मेरे से। अब सुबह वो जा रहा है मस्तराम बाबा के पास अर्ली मॉर्निंग, उसको फिक्र मेरी पड़ी हुई है। अब तो उसको एक आध दुकान कोई खुली मिल गई, वहां जो मिला पूड़ी वूड़ी कुछ तो मिठाई वो मेरे को लाके दिया और तब गया। अब शाम को वहां से वापिस आया, सोच रहे मेरी फिर बाजार से बहुत सारी चीजें ले आया और मुझे खाने को दी शाम को। एनीवे, वो मस्तराम तो मैं क्या मस्तराम नहीं था क्या, अपने पद्धति से। तो योग क्षेमा ये कंसीडरेशन आदमी के सामने आ जाता है। आचार्य करे यदि उभय अपनी कर्तुम स्वायत्त पुरुषेण, अगर दोनों ही पुरुष के स्वाधीनता में कि मैं ये करूं क्या ये करूं, किमर्थम प्रेव आदत्य बहुल्यन लोक, फिर मेजोरिटी लोग प्रेय को क्यों एक्सेप्ट करते हैं। इति उच्यते, इसका कारण बता रहे। सत्यम स्वायत्ते लेते हैं जरूर, तथापि साधनता फलताश्च मंद बुद्धि ना। साधन की दृष्टि से फल की दृष्टि से बोलो, मंद बुद्धि जो है दुर्विवेक रूपे सती, उनका वेग ही ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए व्यामिश्री भूते ही वह मनुष्य मिक्स्ड से होकर के मनुष्य के सामने आते हैं। आत्मनोक्षतम जगत देता है हमको, जगत का हित करना पहले प्रे प्रवृत्ति है तुम्हारी। पहले क्यों, स्वामी जी ने पहले बोला है क्या, स्वामी जी ने आत्मनोक्षार्थम जगत देता है च बोला है, भूल गए उसको। ये हमेशा मिक्स रूप में आते हैं, व्यामिश्री भूते इव मनुष्यम एता, या एतम गलत है अगर तुम्हारी पुस्तक में है तो, मनुष्यम अनुस्वर निकाल दो विसर्ग कर दो, मनुष्यम एता। अब एता को आचार्य समझा रहे हैं, एता पुरुषम आ इता, एता माने आ इता, वो पुरुषम आ
इता प्राप्तता, पुरुष के पास आते होंगे, पुरुष को मिलते हैं, श्रेयस्य प्रेयस्य ये दोनों। अतो हंस ही वो अम्बसा पया, जैसे हंस जो है पानी में दूध मिक्स हो तो दूध उठा लेता है, ऐसा तो श्रेय प्रेय पदार्थ हो संपरित्य, संपरित्य माने सम्यक परिगम्य मनसा आलोच्य गुरु राघवम। संपरित्य माने अच्छी तरह सोच करके, मन में आलोचना करके, बड़ा छोटा कोने ढूंढ करके गुरु राघवम विनक्ति पृथक करोती धीरो धीमा। ये धीर शब्द दो अर्थों में आता है और दोनों मिले हुए अर्थ होते हैं। धीर माने विवेकी और धीर माने जिसमें धैर्य धारण करने की शक्ति है। क्विक विटेड लोग कभी बुद्धिमान नहीं हो पाते, सोच करके धीर से देते। एक उदाहरण मजेदार याद आ रहा है, कैलाश आश्रम में एक बहुत बड़ा घंटा है, बहुत बड़ा एंकर, और उसकी रस्सी एक विशेष प्रकार से बांध के रखते हैं, और खाने को या इसकी घंटी बजती है। अब जिसकी ड्यूटी होती है वो कहीं चला गया है उसको, अब लोग उसको समझ ही नहीं पा रहे, उसको खोलने जाते हैं तो गांठ पड़ जाती है। अब सबसे वहां जो मैंने प्रैक्टिकल इम्प्रैक्टिकल माने जाते हैं हरिहर तीर्थ जी, उनको वो आए सामने, घंटी नहीं पड़ रही, घंटी नहीं पड़ रही, ऐसा देखा थोड़ा और ऐसा हाथ लगाए रस्सी खुल गई। वो कहते तुम लोग पहले खिंचाता नहीं कर रहे हो, पहले सोचो देखो कहां क्या है, जिसने बांधा है उसने निश्चित ऐसा बांधा है कि खुलेगा। इधर क्या ये धीरो धीमान विच श्रेय ही श्रेय एव अभिवृणीते, अभिवृणीते मैंने प्रेसो अभ्यर्तत्व। विवेचन करके प्रेय की अपेक्षा अधि अभिष्ट होने के कारण श्रेय को ग्रहण करता है। को असो धीरा रिपीट कर रहे, जो विवेक धीर पुरुष है वो, यस्तु मंदो अल्प बुद्धि स विवेक असामर्थ्य, उसका विवेक का सामर्थ्य नहीं है। योगक्षेमात् योगक्षेम निमित्तम शरीर आदि उपचय रक्षण निमित्तम इति एतत्। उपचय मैंने मोटा, शरीर को मोटा बनाने के लिए या शरीर की रक्षा करने के लिए एतत् प्रेया पशु पुत्र आदि लक्षण वरुणी, फिर उसको पशु चाहिए पुत्र चाहिए सब कुछ चाहिए। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश कामान अभिध्यायन नचिकेतो अत्यसराक्षी नैतां श्रृंकां वित्तमयीं अवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। अब यहां पर दो शब्द हैं अलग अलग, प्रिय और एक प्रिय रूप। कामन, कामन माने डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, तो प्रिय कैसे होंगे, पुत्र ले ले पशु ले ले वो सब प्रिय हो गए, और प्रिय रूप माने दिखने को ब्यूटीफुल अप्सरा है। ऐसे इसके दो शब्द हैं प्रिय और प्रिय रूप। काम प्रिय रूप माने जो अच्छे लग रहे हैं वो, प्रिय रूप माने देखने को अच्छे दिख रहे हैं वो। अरे ये एक हो जाता है सर्दन समझा बताए, काम अगर स्थूल रूप में हमने त्याग किया तो अप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी नाम की चीज आ जाती। स्त्री को क्यों देख रहे हैं, कामना नहीं मुझे कितनी ब्यूटीफुल लग रही हो, ये कामना का सूक्ष्म रूप है कह रहे। सो यहां प्रिय और प्रिय रूप बाकी है, ऐसे डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स अविध्यायन मैंने सोच करके अच्छी तरह से। नचिकेतो अत्यसराक्षी, तूने छोड़ दिया उनको, कामों को काम रूप ऑब्जेक्ट्स को प्रिय और प्रिय रूपों को अच्छी तरह सोच करके विवेक पूर्वक तूने छोड़ दिया।
श्रृंखला माने चेन ऑफ इवेंट्स, वित्तमयीन, पैसे वाली जो लाइफ है, श्रृंखला माने लाइफ है, पैसे वाला जो लाइफ है वो तूने नहीं ग्रहण की, जिसमें बहुत से मनुष्य डूब जाते हैं, ऐसा उसका परीक्षा पास फेल के लिए नहीं, परीक्षा अप्रिसिएशन के लिए होती है। जो फेल होने वाला होता है उसकी परीक्षा ही नहीं लेते गुरु लोग। हे नचिकेता, उस तूने पुत्र इत्यादि प्रिय और अप्सरा आदि प्रिय रू, ओम शंकराचार्य का पढ़ना चाहते हैं, सत्वम पुनः पुनः मया प्रलोभ्य मानो अपि, मैंने बार बार तुझे प्रलोभन दिया था फिर भी, प्रियान पुत्राधीन प्रिय रूपांश अवसर प्रवृत्ति लक्षणान, प्रिय माने पुत्र इत्यादि, प्रिय रूप माने अवसर इत्यादि, कामान अभिध्यायन माने चिंतयन, तेषाम अनित्यत्व असारत्व आदि दोषान, हे नचिकेतो अत्यसराक्षी ही अतिसृष्टवान परित्यक्तवान असि अहो बुद्धिमत्ता तव, आहा कितना इंटेलिजेंट है, इसको इंटेलिजेंस कहते हैं। नैताम अवाप्तवान असि श्रृंखलाम श्रुतिम कुत्सिताम मूढ़जन प्रवृत्ताम श्रुतो, श्रुति माने गति, कुत्सिताम गंदी, मूढ़जन प्रवृत्ताम, मूढ़जन जिसमें प्रवृत्त होते हैं, वित्तमयीम धन प्रायाम, पैसा पैसा पैसे उसमें मेन रहता है, यश्याम श्रुतो मज्जंती सीदंती बहवो अनेके मूढ़ा मनुष्य, डूब जाते हैं। दूर मेते विपरीते विशुचि अविद्या याच विद्या इति ज्ञाता, विद्या भीक्षिणम नचिकेत सम्मन्ने नत्वा कामा भवो अलोलुपंत, ये दूर, दूर माने हम जिसको दूर कहते वही दूर, खाली दूर नहीं है, विपरीत है, विशुचि विरुद्ध है एक दूसरे के, एक अविद्या है एक विद्या है, ये जान करके नचिकेता तू विद्या वाला है, विद्या को चाहने वाला है, ये मैं मानता हूं। नत्वा कामा भवो अलोलुपंत, इतने किस्म के काम भी तुझे लोलुप नहीं बना सके, लोग उसके लिए नहीं आ सका, इसलिए मैं तो तुझे विद्या में चाहने वाला ही मानता हूं, मानता हूं। इस दृष्टि से उसको परमानंद बना दिया यमराज ने कि इस रास्ते से डिगेगा नहीं अभी कहीं। ततो श्रेय आददान से साधु भवती हियते अर्थात यो प्रयोगणिति उत्तम तत्कस्मात् यथा, यानी श्रेय को चाहने वाले का अच्छा होता है, प्रेय को चाहने वाला अर्थ से चूक जाता है, ये क्यों होता है? दूरम दूरेण महता अंतरेण एते विपरीते अन्योन्य व्यावृत्त रूप अविवेक विवेकात्मकत्व, एक दूसरे से अलग अलग हैं, साथ नहीं होते, दिखते हैं एक साथ, व्यावृत्त माने एक को छोड़कर के दूसरा होता है, इसको छोड़कर के वो होता है, अविवेक है एक विवेक है, ऐसे ही रूप है उनका। तम प्रकाश हो ही हुआ अंधेरा और सूर्य का प्रकाश। विशुचि माने विशुचौ नाना गति भिन्न फले संसार मोक्ष हेतु थे नहीं किए थे। विशुचि माने नाना गति, अलग अलग गतियां उनकी, भिन्न फले, फल अलग अलग हैं, संसार एक का फल है, मोक्ष दूसरा फल है। कहते इति उच्चते याच अविद्या प्रयो विषया, विद्या इति च श्रेयो विषय, बीच में सेमी कोलन डाल दो नहीं तो प्रयोग विषय विद्या ऐसा हो जाता है। सच अविद्या प्रयोग विषय, विद्या इति च श्रेयो विषय, ज्ञाता निर्ज्ञात अवगता पंडित ही, पंडितों ने इसका ऐसा व्यवस्था कर ली है। तत्र विद्या भीक्षिणम विद्यार्थिनम
नचिकेतसम त्वाम अहम मन्ने, तुझे मैं विद्यार्थी समझता हूं। नागपुर के जीवन विकास मैगजीन में एक प्रोफेसर सावड़पुर करते बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा था कि लोग कहते हैं आजकल के विद्यार्थी अनुशासनहीन है, तो उनका मैं नहीं मानता। जो अनुशासनहीन है वो विद्यार्थी ही नहीं है। विद्यार्थी नाम से कॉलेज में एडमिशन लिया इसलिए विद्यार्थी नहीं है वो। विद्यार्थी होगा तो अनुशासन करेगा ही। वो हमेशा ऐसे मजेदार आर्टिकल लिखते थे, बोले गुंडे विद्यार्थी के नाम से आ रहे हैं, अनुशासन विद्यार्थी है क्या ये? अरे लोग पूछते थे कितना 5 ईयर प्लान बनाया है क्या, मैंने कॉलेज में कितने दिन टिके रहना फेल हो करके, यूनियन लीडर ये जो पकड़े गए ना तुम्हारे जो भी कन्हैया कुमार और वो सब ऐसे प्लान वाले थे सारे। हाँ विद्यार्थी नम नचिकेतसम त्वाम अहम मन्ने, मैं तुमको विद्यार्थी समझता हूँ। तत्र विद्याभीक्षिणम, उसका पहले निर्ज्ञात निर्ज्ञाता अवगता पंडित ही। याच अविद्या प्रयो विषया, विद्या इति च श्रेयो विषया। ज्ञाता माने समझ लिया है, ज्ञाता का अर्थ आचार्य वचारे निर्ज्ञाता अवगता। ज्ञाता मंत्र का शब्द है, उसको आचार्य समझा रहे निर्ज्ञाता अवगता पंडित, अवगता के पीछे लगा रहे पंडित ही। कस्मात यस्मात अविद्वत बुद्धि प्रलोभिना कामा, अविद्वान की बुद्धि को प्रलोभित करने वाले काम अप्सरा प्रवृत्तयो बहवो अपि त्वाम न अलोलुपन्त न विच्छेदम कृतवन्ता श्रेयो मार्गात, श्रेयो मार्ग से नहीं हटाया उन्होंने तुझको। आत्म उपभोग अभिवांछा संपादने न, मैं भोग लूंगा ऐसी इच्छा उत्पन्न करके श्रेय मार्ग से हटाया नहीं। अतो विद्यार्थिनम श्रेयो भाजनम मन्ने इति अभिप्राय। अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना। बस करो, कल पढ़ेंगे, बैठोगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत् श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।